हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज भैया हम थोड़ा देखने वाले हैं, जानने वाले हैं भैया ट्रांसपोजिशन साइफर्स के बारे में। सी अभी तक हमने जो जाना वो था सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक्स, वो मेथड्स बराबर, जहां पे होता क्या है कि जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, ओरिजिनल मैसेज होता है, उसके जो अल्फाबेट्स होते हैं उन अल्फाबेट्स को हम लोग किसी और अल्फाबेट से रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं बराबर। लेकिन यहां पे सब्स्टिट्यूशन का फंडा ही नहीं, यहां वो सिर्फ क्या कहते हैं कि रीअरेंज करो बराबर, मतलब पोजीशंस चेंज करो ओरिजिनल अल्फाबेट्स के। ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट जो होता है आपका, ओरिजिनल मैसेज जो होता है, उस ओरिजिनल मैसेज में जो अल्फाबेट्स होते हैं उन अल्फाबेट्स की सिर्फ पोजीशन चेंज करो, यहां से वहां करो, वहां से यहां करो, लेकिन ओरिजिनल अल्फाबेट्स को वहीं के वहीं रखो, सिर्फ पोजीशन चेंज करते जाओ और कुछ भी नहीं। अब वो पोजीशन कैसे चेंज करनी है उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है जो कि अभी हम लोग यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला और सबसे यार क्या बताऊं मैं, इतना आसान मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, दैट इज अ कॉलमनर ट्रांसपोजिशन टेक्निक। कॉलमनर मतलब एक तो बात सिंपल है कि यहां कॉलम को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मिल रहा है, कहीं ना कहीं कॉलम के ऊपर ये पूरे टेक्निक का दारोमदार है बराबर। अब वो कैसे है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ऑब्वियसली मुझे एक प्लेन टेक्स्ट चाहिए जिसे मुझे इंक्रिप्ट करना है बराबर। अब ये प्लेन टेक्स्ट जो है दैट इज 5 मिनट्स इंजीनियरिंग मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो 5 मिनट्स इंजीनियरिंग है इसके एक भी अल्फाबेट को मैं किसी दूसरे अल्फाबेट से रिप्लेस नहीं करने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूशन नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इनकी पोजीशंस यहां से उठा के कहीं और रखूंगा और उसकी उठा के कहीं और रखूंगा कहीं और, तो उसके ओरिजिनल पोजीशन सिर्फ मैं हिला रहा हूं, उसको मिसप्लेस कर रहा हूं, उसको रीअरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट्स इट ओके। अब ये पोजीशन कैसे वो रीअरेंज में हेल्प करता है वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को, इस पूरे पूरे प्लेन टेक्स्ट को हमें इंसर्ट करना है इनटू अ टेबल। आप अभी कोई भी फिक्स साइज का टेबल ले लो, ऐसी जरूरत नहीं कि वो 4x4, 5x5, 6x6, कुछ भी हो सकता है, जस्ट एंटर इट इनटू द टेबल बराबर। अब यहां पे मैंने एक 5x5 का एक टेबल लिया है जिसमें भैया 5 कॉलम्स है और 5 आपके क्या है रोज है, सो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 कॉलम्स एंड 5 रोज। अभी इसमें इंपॉर्टेंट जो आंकड़ा याद रखने वाला है वो है 5 का आंकड़ा, किससे रिस्पेक्टिव में, कॉलम के रिस्पेक्टिव में। सी आप रोज जितने भी ले लो, मैं इससे और ज्यादा रोज ले सकता था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था बिकॉज मेरा जो इंसर्शन है वो यही खत्म हो रहा है बराबर, मैं और रोज लेके और कुछ फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट रो काउंट नहीं है, रो नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काउंट ऑफ कॉलम्स इज इंपॉर्टेंट, कितने कॉलम है 1, 2, 3, 4, 5, सो 5। So what is the size of the column? That is 5. मतलब 5 कॉलम आपके इस पर्टिकुलर टेबल में है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है। तो अभी आप इंसर्ट कैसे करते हो, इंसर्ट क्या करना है, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट आपको इस पूरे मैट्रिक्स में या फिर इस पूरे टेबल में, इस स्ट्रक्चर में आपको इंसर्ट करते जाना है। कैसे इंसर्ट करोगे, एफ को उठाया यहां रखा, आई को उठाया यहां रखा, वी ई, दैट इज लेफ्ट टू राइट रो बाय रो इंसर्शन, लेफ्ट टू राइट रो बाय रो इंसर्शन। तो एक रो खत्म हुई दूसरी रो, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करते जाना है। तो दिस इज 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। तो यहां पे भैया मेरा इंजीनियरिंग खत्म होता है यहां पे, इस पॉइंट पे। और ये जो है ये मेरी 3 लेफ्ट ब्लैंक्स है, इसमें मैं कुछ नहीं डाल सकता बिकॉज इसके आगे ऑब्वियसली मेरा टेक्स्ट खत्म हो जाता है, सो आई विल कीप इट देम एज अ ब्लैंक, इसमें कुछ भी नहीं भरूंगा, कुछ भी नहीं डालूंगा, ठीक है। यहां तक फंडा क्लियर हुआ। अब अगला स्टेप क्या करना है, जो मैंने कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलम को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मिल रहा है तो इसलिए कॉलम साइज को भी इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो कॉलम की साइज कितनी है, 5 है। तो अभी आपको क्या करनी है, एक की तैयार करनी है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉलम साइज। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू द कॉलम साइज मतलब जो भी अभी आप की में डिजिट्स लोगे, रिमेंबर जो भी अभी आप की में डिजिट्स लोगे वो ऑब्वियसली रैंडमली अरेंज होंगे, लेकिन उनमें से एक भी डिजिट आपके नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर मेरे यहाँ पे 5 कॉलम्स है, इफ देयर आर 5 कॉलम्स, तो यहाँ पे मेरा एक भी डिजिट 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 5 हो सकता है, 5 से अंदर वाले हो सकते हैं बराबर। 0 मत लेना यहाँ पे बिकॉज हमने यहाँ पे 0 कंसिडर भी नहीं किया है, एज अ कॉलम इंडेक्स हमने 0 कंसिडर नहीं किया है। सो फ्रॉम 1 till 5, including 1 and 5, आप कोई भी नंबर ले सकते हो और उसको कैसे भी रैंडमली अरेंज कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूं तो की इज नथिंग बट द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ दीज कॉलम इंडेक्सेस, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ दीज कॉलम इंडेक्सेस, प्रोवाइडेड दैट नो डिजिट इज ग्रेटर देन 5, प्रोवाइडेड दैट की का एक भी डिजिट 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉलम साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने इनमें से अब ये जो मेरे पास है, मैंने पहले 4 चुन लिया, चलो पहले 4 ले लेते हैं, 4 के बाद 3 ले लिया, 3 के बाद 5 ले लिया, फिर उसके बाद 1 and 2, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा, दैट इज 4, 3, 5, 1, 2
बराबर, ये मैंने लिख दिया इस तरीके के, मैंने उनके कॉलम के इंडेक्सेस को अरेंज कर दिया। अब इसमें से एक भी डिजिट 5 से ग्रेटर नहीं है, इक्वल टू 5 है चलेगा, ग्रेटर देन 5 नहीं चलेगा, ठीक है। अब वो क्यों नहीं चलेगा वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे। अब इस की के अकॉर्डिंग, इस नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है भैया, साइफर टेक्स्ट अपना जनरेट करना है। कैसे करोगे साइफर टेक्स्ट? जो भी अल्फाबेट्स उस कॉलम में प्रेजेंट है उनको टॉप टू डाउन पार्स करके लिखना है, दैट्स इट। समझ में आया? जो भी आपका सी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डिजिट है 4, पहला 4 है, तो आप क्या करोगे फोर्थ कॉलम में जाओगे, फोर्थ कॉलम में आप अल्फाबेट्स देखो, अल्फाबेट्स देखे तो उसको टॉप टू डाउन पार्स करो, और पार्स करते वक्त जो भी एलिमेंट आए उसको सिर्फ लिखते जाओ, उसको सिर्फ लिखते जाओ, दैट्स योर साइफर टेक्स्ट। तो कैसे होगा, पहले 4 में गया, 4 में तो मैंने क्या किया, ई टी जी और आर, बस खत्म, उसके आगे कुछ नहीं, तो एमटी के लिए मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है, ई टी जी आर, तो यहां पे खत्म हुआ। अगला कौन सा है कॉलम, थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम यहां से शुरू होगा, वी यू एन ई, यहां खत्म हो गया। उसके बाद क्या भैया, फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ में क्या है, एम ई आई आई, तो यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद है फर्स्ट वाला कॉलम, वो क्या होगा, एफ आई एस एन एन, ठीक है, एंड लास्ट बचा सिक्स्थ सेकंड कॉलम, दैट इज आई एन ई ई जी। तो ये जो अभी भैया मेरा जनरेट हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस की, की इज नथिंग बट अ रैंडम सीक्वेंस ऑफ द कॉलम इंडेक्सेस प्रोवाइडेड दैट कि भैया इनमें से एक भी डिजिट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द कॉलम साइज, बस। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, पार्स किया कॉलम वाइज, इसलिए इसको कॉलमनर बोला गया कि भैया कॉलम को इंपॉर्टेंस दिया है कि कॉलम वाइज आपको टॉप टू डाउन पार्स करने हैं अल्फाबेट्स को, और इस तरीके से साइफर टेक्स्ट जनरेट करना है। तो अभी रही बात कि भैया ग्रेटर देन 5 क्यों नहीं लिया, तो अगर मैं यहाँ पे 6 लेता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 6 डालता, बराबर, अगर मैं इस की सीक्वेंस में 6 डालता और वो जो मैंने कहा था पहले उसको अगर मैं ब्रेक करता हूं, उसको तोड़ता हूं, तो क्या होगा, तो अगर यहां पे 6 में लेता हूं तो यहां पे एक भी एलिमेंट नहीं है पार्स करने के लिए। पहली बात तो इसकी साइज ही 5 है, तो उससे ज्यादा आप कुछ भी यहां पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, यू विल फाइंड नथिंग हियर, ओके, सो यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। तो यहां पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग ग्रेटर देन 5, लिमिट योरसेल्फ टू 5, 5 तक अपने आप को लिमिट करो, बिकॉज साइज ही 5 है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो फिर लोगे क्या, तो ये 6 लेके भी उसका कोई फायदा नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको यहां तक ही सीमित करता हूं, और आई विल नॉट टेक ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन द कॉलम साइज, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा साइफर टेक्स्ट जनरेट हो गया, तो काफी इजी टेक्निक थी, इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, काफी इजी मॉड्यूल था। इसी तरीके से आपको सारे जो भी क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे ऐसे ही आपको सॉल्व करने, काफी इजी टेक्निक्स है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा, इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत अगर मदद कर दी होगी एग्जाम में, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस मदद को प्रोपेगेट कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।